देखिए स्पोर्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन का है, और चाहे वो पेंसक सैलेट का गेम हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो वॉलीबॉल का हो, चाहे वो हॉकी का हो, पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स को करिकुलम का पार्ट बनाया गया है। इसके पहले वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाता था, और मुझे उम्मीद है कि इंटीग्रल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के स्पोर्ट्स का करिकुलम का पार्ट होना बहुत आवश्यक है, और यह एक उसके विकास में बहुत बड़ा सार्थक कदम है। मैं डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा, डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए ये हम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पेंसक सैलेट मेन एंड वुमेन चैंपियनशिप जो है, जो कि इस बार AIU ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसको यहाँ पे करवाने का। वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि AIU ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू यूनिवर्सिटी को दी, जिसमें 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और तकरीबन 500 के आसपास प्लेयर्स जो हैं पेंसक सैलेट के मार्शल आर्ट गेम जो है, इसमें मैन एंड वुमेन के जो है डिफरेंट कैटेगरीज, चार कैटेगरीज की जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। टूर्नामेंट ये 3 दिन की टूर्नामेंट है, 24 से 25 और 26 को ख़त्म होगी। 26 को इसकी वैलिडिटी जो शाम को 5 बजे जो कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगी इसकी। सर किस तरह जो बच्चों को किस तरह फ़ायदा होगा इस सच इवेंट से? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी अब देश की उन यूनिवर्सिटीज़ में से टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है जहाँ की खेल को बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी जा रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी देखें, हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें, हमारा रिकॉर्ड जो नेशनल लेवल बहुत बेटर हुआ है। हर साल हमारे कम से कम 30 से 40 मेडल हम नेशनल लेवल पर डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो हम विन कर रहे हैं। इस बार भी हमारे जैसे खेलो इंडिया तक हमारी टीम पहुंची है, और जैसे जितनी मार्शल आर्ट गेम्स बाकी गेम्स हमारे क्वार्टर फाइनल टीम जो क्वालिफाई कर रही हैं, और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं कि जब आप देखेंगे। वैसे भी अगर आपको बता दूं कि इस साल भी हमारे 3 से 4 बच्चे ऐसे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है सेलेक्ट हुए हैं, जो डिफरेंट टीम्स में जो इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू यूनिवर्सिटी का झंडा जो है फहराएंगे और देश का और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करेंगे। थैंक यू।